गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को आपके 12th चैप्टर का क्रिया विशेषण शब्द पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, आप लोगों का जो 11th चैप्टर था अव्यव, उसमें जो भेद थे, देखिए, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, चार भेद थे जिसके बारे में इस चैप्टर में डिस्क्राइब नहीं किया हुआ था। आज मैं आप लोगों को और अगले चैप्टर में, जैसे एक एक चैप्टर आगे कर करके, जैसे 12 में है क्रिया विशेषण का, 13 में संबंध बोधक का, इस टाइप से आप लोगों को एक एक चैप्टर ही दिया हुआ है इस भेद के बारे में। तो वही मैं आज आप लोगों को सबसे पहला भेद क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ने जा रही हूँ, बताने जा रही हूँ। आप लोग को ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि अव्यव या अविकारी शब्द क्या है, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। देखिए बच्चों, जैसे कि मैं यहाँ एक दो सेंटेंस लिख रही हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए बच्चों, जैसे कि मैंने यहाँ पे दो उदाहरण लिए हैं। कछुआ धीरे धीरे चल रहा है, ठीक है। फिर है रोहन प्रतिदिन स्कूल जाता है। तो इसमें क्रिया विशेषण शब्द कौन से हैं बच्चों, सबसे पहले ये जानना होगा हमें। तो बच्चों, इसमें क्रिया विशेषण शब्द है धीरे धीरे और प्रतिदिन, ये दोनों इसमें जो है वो क्रिया विशेषण है। और इसमें क्रिया कौन से हैं, ये दोनों शब्द जो हैं वो अव्यव हैं। अब इसमें क्रिया शब्द कौन से हैं, तो बच्चों क्रिया शब्द हैं स्कूल जाता है और चल रहा है। ये जो दो है वो क्रिया विशेषण, चल रहा है और जाता है, ठीक है, क्रिया है। क्रिया का अर्थ आप लोगों को पता होगा, क्रिया का अर्थ होता है बच्चों काम, ठीक है। आप लोगों को मैं पढ़ा चुकी हूँ क्रिया के बारे में, ठीक है। क्रिया का अर्थ काम होता है, तो स्कूल जाना क्या है, काम है। चलना क्या है, काम है, है ना। तो ये क्या है, क्रिया है, ठीक है। अब ये किसकी विशेषता बता रहे हैं, स्कूल जाता है कब, प्रतिदिन। तो ये क्या है, इसकी विशेषता बता रहे, क्रिया की विशेषता बता रहे कि वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, इसकी यह विशेषता है। तो यही, इसी कारण ये क्या कहलाएगा, ये क्रिया विशेषण कहलाएगा, ठीक है। अब इसी में देख लीजिए, वो चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो धीरे धीरे चल रहा है। उसकी रीति बता रहा है कि वो धीरे धीरे चल रहा है, ठीक है। तो कैसे चल रहा है, धीरे धीरे, उसकी विशेषता है वो धीरे धीरे चल रहा है। तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो इसीलिए ये क्रिया विशेषण, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे विशेषण में और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है, तो बच्चों विशेषण, अब देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा मीठा आम, लाल गुलाब, मोटा आदमी आदि, ठीक है, मैंने ये लिखे। अब इसमें देखिए, आम, गुलाब और आदमी शब्द जो है बच्चों वो क्या है, संज्ञा है, आप लोगों को पता होगा इसके बारे में, तो संज्ञा है। और मीठा, लाल और मोटा, ये शब्द जो है वो क्या है बच्चों, वो विशेषण है, ठीक है। तो वो किसकी विशेषता बता रहे हैं, किसकी, ये मीठा लाल मोटा शब्द किसकी विशेषता बता रहे हैं, संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। तो यहाँ पे संज्ञा शब्दों की ये विशेषता बता रहे हैं, तो ये क्या है, विशेषण है। और यहाँ पे जो है वो क्रिया शब्दों की विशेषता बताई जा रही है, इसीलिए ये क्रिया विशेषण है, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि बस धीरे धीरे चल रही है, तो जितने भी ये रेड मार्क वाले वर्ड है, शब्द है, वो क्रिया विशेषण है। विद्यार्थी अध्यापिका की बातें ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। अब देखिए, ध्यान पूर्वक शब्द और धीरे धीरे शब्द कभी भी किसी भी कारण नहीं बदलता है, ये तो मैंने आप लोगों को पिछले चैप्टर में बता ही दिया है कि अव्यव के बारे में। और इसमें सुन रहे हैं और चल रहे रही है, इसमें जो है ये क्या है, क्रिया है, क्या है, क्रिया है। और ये किसकी विशेषता बता रहे हैं, ये चल रही है, ये धीरे धीरे शब्द किसकी विशेषता बता रहे हैं, चलने की विशेषता बता रहे हैं, बस की, ठीक है, चलने की विशेषता बता रहे हैं। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। ध्यानपूर्वक शब्द किसकी विशेषता बता रहे हैं, सुनने की विशेषता बता रहे हैं, कि कैसे सुन रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। तो यहाँ पे भी ये क्रिया विशेषण है, ठीक है। अब देखिए, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और उससे पहले विशेषण पढ़ा है आप लोगों ने, तो संज्ञा और या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिया की विशेषता यानी कि काम की विशेषता बताई जा रही है, तो इसीलिए ये क्रिया विशेषण कहलाएगा।
अब क्रिया विशेषण के भी बच्चों चार भेद होते हैं, जिस तरीके से अव्यव के चार भेद थे उसी प्रकार से क्रिया विशेषण के भी चार भेद हैं, ठीक है। क्रिया विशेषण के चार भेद, कालवाचक क्रिया विशेषण, काल तो आप लोगों को पता होगा जिसमें समय का पता चलता है, ठीक है, वो कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जिसमें तरीका का पता चलता है, किसी भी कार्य का तरीका कैसे हो रहा है। स्थानवाचक जिसमें जगह का पता चलता है, ठीक है। और परिमाणवाचक जिसमें मापतोल का पता चलता है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला आता है क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। तो मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि काल क्या होता है, समय होता है। तो ये क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के समय के बारे में बताते हैं, यानी कि काम के समय के बारे में बताते हैं, लेकिन वो होना कैसे चाहिए, अव्यव चाहिए। काल का अर्थ होता है समय, जैसे तीन दिन से लगातार। अब इसमें लगातार शब्द जो है बच्चों वो क्या है, वो कालवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। वर्षा हो रही है, वर्षा का होना क्या है, क्रिया है, और कैसी हो रही है, लगातार हो रही है। तो ये जो है लगातार शब्द क्रिया विशेषण है, और ये क्या बता रहा है, काल यानी समय का बता रहे, पता बता रहे हैं। उसके बाद मनोज प्रतिदिन नहाता है, इसमें प्रतिदिन क्या है बच्चों, एक तो काल का समय का पता चल रहा है इसमें प्रतिदिन से, और ये क्रिया विशेषण है, ठीक है। प्रतिदिन समय का ही पता चल रहा है कि रोज हमेशा नहाता है, ठीक है। अब इसमें कुछ शब्द है अभी कब तक, ये शब्द आप लोगों को लर्न करने हैं, ठीक है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के बारे में बताते हैं, वो स्थान का अर्थ क्रिया के बारे में बताते हैं, ठीक है, क्रिया के स्थान के बारे में। अब जैसे कि मैं यहाँ लिखती हूँ अलमारी के अंदर किताबें हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए अंदर शब्द जो है वो स्थान का पता बता रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्रिया विशेषण हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे बंदर ऊपर बैठा है, ऊपर, गेंद मेज के नीचे रखी है, नीचे, ये शब्द जो है ऊपर नीचे अंदर बाहर, ये सब जितने भी शब्द हैं वे बच्चों क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थान के बारे में बताते हैं ये, ठीक है। ये वर्ड भी आप लोगों को लर्न करने हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ये क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के तरीके के बारे में बताता है कि क्रिया जो है, काम जो है, वो किस प्रकार से हो रहा है, ठीक है, उसके बारे में बताता है, इसीलिए इसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अमित जोर से बोलता है, कैसे बोलता है, बोलना क्या है, क्रिया है, ठीक है, और कैसे बोलता है, जोर से बोलता है, तो जोर से बोलना क्या, उसका तरीका है, तो ये जो है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। कछुआ धीरे धीरे चलता है, अब चलना क्या है, क्रिया है, और धीरे धीरे शब्द क्रिया विशेषण है, लेकिन धीरे धीरे सबसे ये भी पता चलता है कि उसका तरीका क्या है चलने का, तो वो धीरे धीरे चलने का उसका तरीका है, ठीक है। तो आप लोगों के कुछ शब्द ये हैं, ये शब्द भी लर्न करने हैं आप लोगों को, अंडरलाइन कर लेंगे आप। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के शब्द है, ये भी लर्न करने हैं आप लोगों को। अब लास्ट है आप लोगों का परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है बच्चों, तो परिमाण मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, मात्रा या नापतोल कुछ भी, ठीक है। तो ये क्रिया विशेषण सब क्रिया की मात्रा के बारे में बताते हैं, या कम, ज़्यादा, थोड़ा, अधिक, ये सब बताते हैं, ठीक है। जैसे मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, तो इसमें बहुत शब्द जो है वो अव्यव है, आप लोगों को पता है बहुत शब्द कभी भी नहीं बदलता है, और अच्छा होना क्या है, क्रिया है, तो ये क्या बता रहा है, परिमाण बता रहा है, तो क्रिया विशेषण परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। सब्जी में नमक कम है, तो इसमें क्या है, ये कम होना क्रिया विशेषण है, और ये क्या, कम, थोड़ा, ज़्यादा, ये सब जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। आप लोग ये शब्द भी लर्न करेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के। तो आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ओके। आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे, और जो नहीं समझ आता वो स्कूल में आके मुझसे पूछ सकते हैं, और इसके क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों को अपने आप करने हैं, ओके। थैंक यू।